सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉली व्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी वेदा के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी वेदा जो कि रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2024 को, मूवी को थर्सडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात की जाए तो बता दें कि इस मूवी को क्रिटिक्स के द्वारा 5 में से 2.5 स्टार्स 2.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो मूवी को इंडिया में 1700 स्क्रीन्स पे इंडिया पे रिलीज किया गया था, तो इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में इसे 400 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया था। दोनों को इंक्लूड करके मूवी को वर्ल्ड वाइड 2100 स्क्रीन्स पे इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। मूवी वेदा एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया था। निखिल अडवाणी ने इस मूवी से पहले अपनी आखिरी मूवी डायरेक्ट की थी साल 2019 में। मूवी का नाम था बाटला हाउस, और बाटला हाउस के ठीक 5 सालों के बाद उन्होंने अपना ऐसा डायरेक्टर फिर से वापसी की है मूवी वेदा के जरिए। अगर आप लोग बाटला हाउस मूवी का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मूवी के राइटर हैं असीम अरोड़ा। मूवी को प्रोड्यूस किया था जॉन अब्राहम, मोनिशा अडवाणी, मधु भोजवानी एंड साथ ही उमेश के आर बंसल ने। वही बात की जाए मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस की तो बता दें कि इस मूवी को JA एंटरटेनमेंट, MA एंटरटेनमेंट एंड साथ ही जी स्टूडियोस, इन तीनों बैनर तले मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। चलिए कास्ट की बात करते हैं तो मूवी वेदा के अंदर जॉन अब्राहम, शार्वरी वाघ, आशीष विद्यार्थी, अभिषेक बनर्जी, कुमुद मिश्रा, राजेंद्र चावला, अनुराग ठाकुर, उर्वशी दुबे, दानिश हुसैन एंड साथ ही कपिल निर्मल, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। बता दें कि इस मूवी के अंदर स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी नजर आई थी। मूवी वेदा बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड मूवी स्त्री 2, अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में एंड साथ ही तेलुगु मूवी डबल स्मार्ट के साथ क्लैश हुई थी। बता दें कि स्त्री 2 की सक्सेस के चलते अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में एंड जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा, इन दोनों को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल एंड साथ ही सफर करना पड़ा था। अगर अभी तक आप लोगों ने वेदा मूवी को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो बता दें कि इसे अभी तक तो किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं कुछ सोर्सेज की बात करूं, कुछ रिपोर्ट्स की बात करूं तो बता दें कि इस मूवी को फ्यूचर में OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज किया जा सकता है, जिसका कारण यह है कि मूवी के जो प्रोड्यूसर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है Zee स्टूडियोज। इसी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी को फ्यूचर में OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। चलिए तो फाइनली वक्त आ चुका है मूवी वेदा के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का। तो वेदा ने अपने डे वन पर अपनी जो ओपनिंग नेट कलेक्शन करी थी वो थी 6.75 करोड़ रुपए, 6.75 करोड़ रुपीज की। मूवी की जो ये ओपनिंग हुई थी ये बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। शॉकिंग इसीलिए क्योंकि जो अक्षय कुमार की मूवी के साथ क्लैश हुई KKM यानी कि खेल खेल में मूवी के साथ वेदा क्लैश हुई, लेकिन खेल खेल में मूवी से ज्यादा ओपनिंग तो वेदा ने करी थी, इसीलिए वेदा जो ओपनिंग था वो काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीकेंड पर टोटल कलेक्शन किया था 14.45 करोड़ रुपए, 14.45 करोड़ रुपीस का। मूवी का जो इंडिया का टोटल 7 डेज का जो फर्स्ट वीक का टोटल कलेक्शन था वो था 18.15 करोड़ रुपए, 18.15 करोड़ रुपीस का। मूवी का जो इंडिया का टोटल लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो हुआ था 22.26 करोड़ रुपए, 22.26 करोड़ रुपीस का। मूवी का जो इंडिया का टोटल लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो हुआ था 26.50 करोड़ रुपए, 26.50 करोड़ रुपीस का। मूवी ने इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से अपना टोटल जो लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 3.40 करोड़ रुपए, 3.40 करोड़ रुपीस का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन था सब कुछ इंक्लूड करके तो वो हुआ था 29.95 करोड़ रुपीस का। बात करते हैं बजट की तो बता दें कि वेदा का जो बजट था वो था अप्रोक्सीमेट 60 करोड़
60 करोड़ के आसपास ये मूवी बनकर तैयार हुई थी, 60 करोड़ के बजट के आसपास। वही बात की जाए मूवी के वर्डिक्ट यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता रहे कि मूवी अपने बजट को तो रिकवर नहीं कर पाती है। उस हिसाब से इस मूवी को जो ऑफिशियल वर्डिक्ट दी जाती है वो है डिजास्टर की। जी हाँ दोस्तों, मूवी वेदा बॉक्स ऑफिस पर ऑफिशियल तौर पर डिजास्टर साबित होती है। वेदा मूवी का स्त्री 2 एंड अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में मूवी के साथ क्लैश करना मेकर्स की बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मेकर्स के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वेदा की थीम ही ऐसी है कि इसके लिए 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे इस मूवी को रिलीज करने के लिए इसकी थीम के अकॉर्डिंग सबसे सही मौका था। लेकिन क्लैश करना वाकई में मेकर्स की बहुत बड़ी गलती थी। और वेदा की जो स्टोरी थी वो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर वेदा मूवी को सोलो रिलीज किया जाता तो इस मूवी के 50-50% चांसेस थे कि ये मूवी एटलीस्ट अपने बजट को रिकवर कर सकती थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।